एक बार फिर स्वागत है आप सभी का विजय पथ अकेडमी पालमपुर में, और मैं अमित कुमार आपके लिए लेके आया हूँ लेटर एनालॉजी की सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में आप सभी का पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको दिया गया है एच के एन क्यू का रिलेशन है जी डी ए एक्स के साथ, आपको बताना है कि एस वी बाय बी का रिलेशन किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है टी क्यू एम के, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास आर ओ एल आई, थर्ड ऑप्शन है जेड वी टी क्यू, और लास्ट ऑप्शन आपके लिए है ए डी जी जे। तो जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या लॉजिक रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। H का नंबर होता है 8, G आपका 7 नंबर पर होता है, यहाँ 1 माइनस हो रहा है। सेम लॉजिक आप यहाँ लगाओगे, जब 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और 18 नंबर पर आपका R होता है। तो जिस किसी भी ऑप्शन का फर्स्ट लेटर R है वही आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर निगलेक्ट हो रहा है, C भी यहाँ निगलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D भी यहाँ निगलेक्ट होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर B रह जाएगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखो K के बाद D आ रहा है, K आपका 11 नंबर पर होता है, D आपका 4 नंबर पर होता है, तो यहाँ पर -7 वाला लॉजिक लग रहा है। यहाँ भी V आपका 22 नंबर पर होता है, इसमें से हम -7 करेंगे तो आपके पास 15 आएगा, 15 नंबर पर आपका O होता है। इसी तरह N आपका 14 पर होता है, 14 नंबर पर, और A आपका फर्स्ट नंबर पर होता है, यहाँ -13 हो रहे हैं क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ भी हम सेम ही लॉजिक लगाएंगे, 25 में से 13 माइनस करेंगे, माइनस करने पर आपको 12 मिलेगा, यानी कि L आएगा। सेम लॉजिक आप यहाँ लगाओगे, Q आपका 17 नंबर पर होता है, X आपका 24 नंबर पर होता है, यहाँ आपके प्लस 7 हो रहे हैं। सेम आप यहाँ अप्लाई करेंगे, जब 2 में 7 प्लस करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, यानी I आएगा, तो R O L I, यानी कि ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया गया है कि बी ई एच के का रिलेशन है वाई वी एस पी के साथ, आपको सी एफ आई एल का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्स वी एस क्यू, सेकेंड ऑप्शन रहेगा एक्स डब्ल्यू यू टी, थर्ड ऑप्शन है एक्स यू आर ओ, और लास्ट ऑप्शन है एक्स यू एस पी। तो जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए बी आपका सेकंड नंबर पर होता है, वाई आपका 25 नंबर पर होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। तो सी के अपोजिट लेटर, सी आपका 3 नंबर पर होता है, और मैंने पहले बताया कि अपोजिट लेटर का सम आपका 27 होएगा, ठीक है। तो जब 3 में आप 24 प्लस करोगे, 3 में 24 प्लस करेंगे तो आपका x आएगा, मतलब फर्स्ट लेटर आपका x होना चाहिए, तो सारे ही ऑप्शन में आपको x दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं, e के बाद यहाँ v आ रहा है, अपोजिट लेटर है। सेम यहाँ पर f के अपोजिट u आएगा, तो ऐसे ऑप्शन जिसमें फर्स्ट टू लेटर x u करके दिए होंगे वही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर निगलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर निगलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सेम एच के अपोजिट आपका एस होता है, तो आई के अपोजिट आपका आर होता है, तो आर आपका थर्ड लेटर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। क्वेश्चन में आपको मास्टर का कोड दिया है ओ सी यू वी जी टी, आपको बताना है कि लीवर का सही रिलेशन किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है एन सी डी क्यू डब्ल्यू टी, सेकेंड ऑप्शन है एन डी ई आर डब्ल्यू टी, थर्ड ऑप्शन है एन बी सी आर डब्ल्यू टी, और लास्ट ऑप्शन है एन ई डी आर डब्ल्यू टी। तो जिस किसी को भी इसका आइडिया इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या रहने वाला है।
एम आपका 30 नंबर पर होता है, ओ आपका 50 नंबर पर होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में 2 प्लस हो रहे हैं, सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। जब 12 में 2 प्लस करेंगे तो आपका 14 आएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर तो आपका एन रहने वाला है। चलिए आगे चेक करते हैं, ए आपका 1 नंबर पर होता है, सी आपका 3 नंबर पर होता है। यहाँ अगेन प्लस 2 हो रहे हैं, तो हम सेम यहाँ भी 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो सी आएगा, यानी कि एन सी। तो वो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए ही है जिसमें फर्स्ट टू लेटर एन सी दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत होगा। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर तो पहले ही शो कर दिया गया कि इसका आंसर रहेगा बी। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है तो कैसे है। एच के बाद यहाँ पर पी आया है, एच आपका 8 नंबर पर होता है, पी आपका 16 नंबर पर होता है, मतलब यहाँ पर प्लस 8 हुए हैं। सेम लॉजिक आप यहाँ लगाओगे, जब 2 में 8 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर आपका आ गया जे, फर्स्ट लेटर आ गया आपका जे। अब जे आपका 10 नंबर पर होता है, आर आपका 18 नंबर पर होता है, अगेन इसमें प्लस के 8 हो रहे हैं। तो जब 4 में आप प्लस 8 करोगे, 4 में आप प्लस 8 करोगे तो आपके पास आएगा 12, यानी कि जे एल। तो जे एल ओनली ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो इसी वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें आपको राइट का कोड दिया गया है जे ई वी आर वी जी आर के साथ, आपको रोंग का कोड बताना है किसके साथ रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है जे ई बी ए टी, सेकंड ऑप्शन है जे ई सी ए टी, थर्ड ऑप्शन है जे ई बी जे ई डी ए टी, और लास्ट ऑप्शन है जे ई डी ए डी। तो जिस किसी को इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आखिरकार इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इनकी पोजीशन से लिख लेते हैं। ये 23 पोजीशन है इसकी, इसकी 18 है, 9, 20 एंड 5। सेम लॉजिक आगे लगाएंगे हम, 10 नंबर इसका आएगा, इसकी 5 नंबर पर होता है आपका 22, 7 एंड 18। चलिए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। माइनस 13 हो रहे हैं, 23 से 13 माइनस करेंगे 10 आएगा। सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई करेंगे तो यहां भी आपका फर्स्ट लेटर आएगा जे, फर्स्ट लेटर आपका आ गया जे। 18 में से 13 माइनस किए थे, 5 आपके आ रहे थे, 18 में से यहाँ भी 18 में से 13 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि ई आएगा सेकंड लेटर। तो सभी जो ऑप्शन है आपके उसमें फर्स्ट सेकंड लेटर सेम ही दिख रहे हैं। चलिए आगे चेक करते हैं, 9 में यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 13 प्लस कर दिए गए हैं, सेम यहाँ भी 13 प्लस करेंगे, 13 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 28 एंड 28, यानी कि सेकंड लेटर आप थर्ड लेटर आपका आ गया बी। तो सेकंड लेटर आपका ई रहेगा एंड थर्ड लेटर आपका बी रहेगा। तो सिर्फ वो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, बाकी के ऑप्शन में वो नहीं है, इस वजह से बाकी के तीनों ऑप्शन आपके निगलेक्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, जे ई बी ए टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें आपको ई जे ओ टी का रिलेशन दिया गया है वी क्यू एल जी के साथ, आपको बी जी एल क्यू का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है जेड यू पी के, सेकंड ऑप्शन है ए एफ के पी, थर्ड ऑप्शन है ए ई आई एम, और लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है बाय टी ओ जे। तो जिस किसी को इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या लॉजिक रहेगा इस क्वेश्चन को करने का सही। ई वी के ई वी का अपोजिट लेटर है, उसी तरह बी बाय का अपोजिट लेटर होगा। तो जिस किसी भी ऑप्शन का फर्स्ट लेटर बाय है वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डायरेक्ट यहाँ पर डी होने वाला है,
क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट लेटर वाई नहीं है, तो बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको डेड का कोड दिया गया है WUVZW, उसी तरह आपको FGCF का कोड बताना है, रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है UTXU, सेकंड ऑप्शन है TWX, थर्ड ऑप्शन है UXTU और लास्ट ऑप्शन है WTX। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। डी के अपोजिट W होता है, ई के अपोजिट आपको पता है V आएगा, ए के अपोजिट लेटर Z होता है और डी के अपोजिट लेटर आपका W होता है। सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे, F के अपोजिट लेटर U होता है, तो जिस किसी भी आंसर में फर्स्ट लेटर U है वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B में फर्स्ट लेटर U नहीं है तो वो आपका निगलेक्ट हो जाएगा। G का नंबर 7 होता है, इसके अपोजिट आपका होता है 20 यानी के T। तो सिर्फ UT जो फर्स्ट टू लेटर हैं UT वो सिर्फ ऑप्शन नंबर A में ही दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। बाकी आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट इसका आंसर निकल रहा है, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि ACCE का रिलेशन है EGGI के साथ, आपको बताना है कि IKKM का रिलेशन किसके साथ होगा। चार ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है MOOQ, सेकंड ऑप्शन है NOOP, थर्ड ऑप्शन है MPQ और लास्ट ऑप्शन है NPR। तो जिस किसी को भी इसका आइडिया है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए का नंबर होता है 1 और ए का आपका 5 होता है, मतलब यहाँ पर प्लस 4 हो रहे हैं। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 9 में 4 प्लस करेंगे 13 आएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर आपका M रहेगा। तो फर्स्ट लेटर M रहेगा, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D निगलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चेक करते हैं, C का नंबर होता है 3, G का 7, यानी कि अगेन यहाँ पर 4 प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ भी 4 प्लस करेंगे K यानी कि 11, 11 में 4 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि सेकंड लेटर आपका O आएगा। तो वो सिर्फ ऑप्शन नंबर A में ही दिख रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, IKKL का रिलेशन है JLM के साथ, आपको बताना है SWV का रिलेशन किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है FFGH, सेकंड ऑप्शन है CEFE, थर्ड ऑप्शन है WXZ, लास्ट ऑप्शन है TWVW। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या लॉजिक रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। I के बाद J आ रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है। सेम लॉजिक यहाँ, जब 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर आपका T आएगा। तो फर्स्ट लेटर सिर्फ ऑप्शन नंबर D में ही दिख रहा है T, तो आपका ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या लॉजिक रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। आपको फिगर का कोड रिलेशन दिया गया है FGIRU के साथ, आपको बताना है कि STRES का रिलेशन किसके साथ होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में आपको FIGUR का रिलेशन दिया है FGIRU के साथ, इसमें फर्स्ट लेटर की पोजीशन सेम रह रही है, तो यहाँ पर S की भी पोजीशन हम सेम रखेंगे।
इसके बाद जी और आई की पोजीशन आपस में चेंज हो रही है, तो यहाँ आर और टी की पोजीशन आपस में चेंज कर देंगे। उसी तरह यू और आर की पोजीशन आपस में चेंज हो रही है, तो यहाँ एस और ई की पोजीशन आपस में चेंज कर देंगे। तो जिस किसी का भी आंसर ये आया होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए जानते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें आई जे एल का रिलेशन दिया है एम एन पी के साथ। आपको बताना है किसका रिलेशन किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका आर एस यू वी एक्स वाई। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास क्यू आर टी यू वी एक्स। थर्ड ऑप्शन है आपके पास के एल एन क्यू पी आर। और थर्ड लास्ट ऑप्शन है आपके पास जी एच आई जे के ओ। तो जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आई के बाद एम आ रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस के चार हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस के चार हो रहे हैं। सेम अगर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहाँ 18 और 22 आ रहा है, मतलब यहाँ भी 4 प्लस हो रहे हैं। इसकी बात करेंगे 17, 4, 21, यहाँ भी प्लस 4 हो रहे हैं, यहाँ आपके प्लस 3 हो रहे हैं, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ 11 के बाद 17 आ रहा है, यहाँ भी प्लस 6 हो रहे हैं, मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक आंसर बिल्कुल सही होगा। जे के बाद अगेन 4 प्लस हो रहे हैं, तो सेम आप यहाँ चेक करोगे 19 के बाद 24 आ रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस के 5 हो गए, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया यहाँ से गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ प्लस 4 हो रहे हैं, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, तो जिस किसी को इसका सही आंसर पता है जल्दी से बता सकता है। यहाँ पर मैट का रिलेशन दिया गया है एन सी डब्ल्यू के साथ। आपको ए पी ई का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है सी आर एच, सेकेंड ऑप्शन है बी आर एच, थर्ड ऑप्शन है बी एस जी और लास्ट ऑप्शन है बी एस एच। बी एस एच, तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ आपके M के बाद यानी कि 13 के बाद 14 आ रहा है, प्लस 1 हो रहा है। सेम आप यहाँ भी करोगे, एक में एक प्लस करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर आपका B रहेगा। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर निगलेक्ट हो गया आपका, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर B नहीं है। आगे देखते हैं, A के बाद यानी कि 1 के बाद 3 आ रहा है, मतलब प्लस के 2 हो रहे हैं। सेम आप 16 में प्लस 2 करेंगे तो आपके पास 18 आएगा, यानी कि R आएगा सेकेंड लेटर। तो आर आएगा सेकंड लेटर, इट मींस आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी भी निगलेक्ट हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इसमें आपको ए डी बी सी का रिलेशन दिया है डब्ल्यू जेड एक्स वाई के साथ। आपको क्या करना है, ई एच एफ जी का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है एस वी टी यू के साथ, सेकंड ऑप्शन है एस टी यू वी, थर्ड ऑप्शन है टी यू एस वी और लास्ट ऑप्शन है एस टी वी यू। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला। जिस किसी को भी पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या रहेगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखिए ए के बाद यहाँ बी सी फिर डी आ रहा है, उसी तरह डब्ल्यू के बाद एक्स वाई फिर जेड आ रहा है। सेम यहाँ देखोगे ई के बाद एफ जी फिर एच आ रहा है। तुम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें यही पैटर्न यही लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक। यहाँ देखोगे एस टी यू वी आ रहा है, तुम्हारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरे ऑप्शन भी चेक करके देख सकते हैं। देखो एस के बाद यहाँ पर टी यू वी टी आ गया, मतलब ये तो गलत हो गया, लॉजिक नहीं बन रहा है। ना ही तो इसके बाद बनेगा, इसमें कोई लॉजिक बन रहा है, ना ही तो इसमें कोई लॉजिक बन रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं।
इसमें आपको किट कैट का कोड दिया है कैट टिक के साथ, आपको पेन कोट का कोड बता रहे हैं किसके साथ होगा, पेन टॉप का PENTOP का कोड बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास TOPPEN, सेकंड ऑप्शन है आपके पास TOPNEP, थर्ड ऑप्शन है POPTEN, लास्ट ऑप्शन है POPNET। तो जिस किसी को इसका सही आंसर पता होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। किट कैट का कोड दिया है आपको, रिलेशन दिया है, इसके साथ आपको बताना है PENTOP का रिलेशन किसके साथ रहेगा। यहां पर देखो के को आप यहां पर लास्ट नंबर पर ले गए, शुरू से ले पहले नंबर से लास्ट नंबर पर, उसी तरह पी आएगा आपका लास्ट लेटर, तो वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को, फिर भी आपको लगता है आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर आई आया था, दूसरा लेटर आपका सेकंड लास्ट चला गया था, तो यहाँ भी आपका ई यहाँ आएगा, सेम उसी तरह टी यहाँ आएगा और ये टी यहाँ आएगा, एन आपका यहाँ आएगा और पी आपका ये, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने पी लिखना था, गलती से आर लिख दिया था, तो पी आपका यहाँ आएगा, सेम उसी तरह ए आपका यहाँ आया है तो ओ आपका यहाँ आएगा और टी आपका यहाँ आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये रहा। ड्राइव का रिलेशन दिया है EIDROV के साथ, आपको बिगम का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, तो जल्दी से जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या लॉजिक रहने वाला है इस क्वेश्चन को करने का। आपको चार ऑप्शन गिवन है, जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ड्राइव का रिलेशन दिया है EIDROV के साथ, आपको बिगम का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट लेटर आपका तीसरे नंबर पर आ गया है, सेम यहाँ पर बी आपका तीसरे नंबर पर आएगा, तो जिस किसी भी ऑप्शन में थर्ड लेटर बी है वो आपका आंसर होने वाला है। तो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है उसमें थर्ड लेटर बी है, तो ये भी हो सकता है, अभी बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका निगलेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह आपका जो लास्ट लेटर था वो पहले नंबर पर आया है, तो यहाँ पर लास्ट लेटर एम है वो आपका पहले नंबर पर आएगा, मतलब एम आ गया यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ओनली बी ही एक ऐसा है जिसमें फर्स्ट लेटर एम है, थर्ड लेटर बी है, तो आपका वही आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, वही आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ये रहा। इसमें बी वाई डी डब्ल्यू का रिलेशन दिया है FUHS के साथ, आपको AZCX का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बी आपका सेकंड नंबर पर होता है, एफ आपका छठे नंबर पर होता है, तो यहाँ पर प्लस के चार हो रहे हैं, सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, एक में चार प्लस करेंगे तो पांच आएगा, यानी कि ई आएगा, तो फर्स्ट लेटर आपका ई आएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में ही फर्स्ट लेटर ई है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ पर निगलेक्ट हो गए। चलिए आगे चेक करते हैं, एफ के बाद यू है, सॉरी बाय के बाद आपका यू आ रहा है, मतलब माइनस के फोर हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी माइनस के फोर करेंगे तो आपका उवी आएगा, मतलब सेकेंड लेटर आपका उवी आएगा, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है, तो यही आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने ये रहा। वर्ड का रिलेशन दिया है WIRY के साथ, आपको रेन का रिलेशन बताना है किसके साथ रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये रहा, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये रहेगा, थर्ड ऑप्शन आपका ये है और लास्ट ऑप्शन आपका ये है। तो जिस किसी को भी आप इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा जल्दी से बता दीजिए।
देखो यहाँ पर बी के बाद डब्ल्यू आ रहा है, बी के बाद यहाँ डब्ल्यू आ रहा है, मतलब टू के बाद 23 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह नाइन के बाद नाइन सेम रहेगा, आर के बाद आर सेम रहा है, और डी के बाद यहाँ आपका बाई आ गया, डी के बाद आपका यहाँ पर बाई आ रहा है, मतलब डी आपका बी को आप जैसे ही आपकी एबीसी जो होती है जेड तक होती है, आपको पता है 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 पोजीशन पर ये होता है। इसके बाद 27 से आपका दोबारा से ए स्टार्ट होता है, देन फिर बी आएगा 28 पर, इसी तरह वो आगे बढ़ते जाते हैं। 29 पर आपका सी आता है और डी आपका आता है 30 नंबर पर। तो यहाँ पर बी को मान सकते हैं ना 28 भी, 28 के बाद आपका 23 आ रहा है, मतलब यहाँ पर -5 हो गए, माइनस के 5 हो गए। 18 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका 13 आएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर आपका आएगा एम। तो फर्स्ट लेटर एम है, यानी कि फर्स्ट आपका ऑप्शन रहेगा सी, क्योंकि इसी में ही फर्स्ट लेटर एम है, बाकी किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट लेटर एम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आपके सामने। डी सी ई एफ का रिलेशन दिया गया है क्यू पी आर एस के साथ, आपको एक्स डब्ल्यू बाय जेड का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करें, मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके सामने 4, 3, 5, 6 इसकी बात करेंगे, ये आपके पास 17 है, ये आपके पास 16 है, ये आपके पास 18 है, फिर 19 आएगा, ठीक है। यहाँ चेक करोगे तो यहाँ 24 है, 23 आएगा, 25 आएगा एंड 26 आएगा। तीन चार से एक कम हुआ है, फिर यहाँ पर 2+, फिर यहाँ पर 1+ हुआ है। सेम ऐसा ही ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें सेम लॉजिक लग रहा है। इसकी बात करेंगे यहाँ पर, ये आपके 9 नंबर पर है, 8 है, ये 7 आएगा और ये 6 आएगा, तो ये तो आपका रहेगा नहीं, क्योंकि ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है और वो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है नहीं ऑप्शन में, तो ये आपका गलत हो गया। इसी तरह इसके चेक, इसको चेक करेंगे, 19 है फिर 20 है, मतलब यहाँ पर पहले -1 हो रहा है, यहाँ पर तो +1 हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। इसकी बात करेंगे ये 19 है फिर 18 है, अभी तक तो चल रहा है चल रहा है, यहाँ पर आपका 17 हो गया फिर 16 हो गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, वही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में 17 के बाद आपका 13 है, मतलब यहाँ पर चार क्या हुए, माइनस हो रहे हैं, तो 25 में से चार माइनस कर देंगे, 25 में से चार माइनस करेंगे तो आपके पास 21 आएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर आपका यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर निगलेक्ट हो गए। चलिए आगे चेक करते हैं, आई यानी कि 9 के बाद 13 है, मतलब यहाँ पर +4 हो रहे हैं, तो एक में भी +4 करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, यानी कि सेकेंड लेटर आपका ई रहेगा, तो वो ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर गलत रहेगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में आपको एक्सक्यूज का कोड दिया है ई एक्स डबल ई एस यू के साथ, आपको ई आर ओ डी ई एस का रिलेशन बताना है किसके साथ रहेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या लॉजिक रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। आपको ई आर ओ डी ई एस का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ई आपका यहाँ आ गया है सेंटर में, सेम आप यहाँ अप्लाई करोगे तो ई आपका आएगा यहाँ पर और एस आएगा आपका यहाँ पर, एस ई जहाँ भी, सॉरी ई एस आएगा यहाँ पर, ई एस आएगा यहाँ पर, तो ई एस जिस भी किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है वही आपका आंसर रहेगा। तो वो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जिसमें ई एस दिख रहा है, तो वही आपका इस यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आया था, आगे ये आपको नवरात्र स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। यहाँ पर आपको 400 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको मैथ्स
रीजनिंग इंग्लिश जीके अवेलेबल रहेगा। जिस किसी को भी ये परचेज करना है तो आप इस वेबसाइट पर www.bijpatheducation.com या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक आपका लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड ऑफर रहेगा ये आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।